वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये रिसीविंग है जो मैंने आवेदन किया है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक के लिए, और आवेदन की तिथि आप यहाँ पर देख लीजिए 10 फरवरी 2023। और इसका मैसेज भी मुझे आ गया है आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज इतना फॉर स्नातक स्कॉलरशिप, काइंडली यूज दिस क्रेडेंशियल टू चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस ऑन द पोर्टल। ये मैसेज मुझे 17 फरवरी को आया है और ये आवेदन मैंने किया था 10 फरवरी को, यानी कि 7 दिन के बाद ही मुझे आईडी और पासवर्ड भी आ गया है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा किस तरीका से आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा। और एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो सबको आ रही है, योर मार्कशीट रजिस्ट्रेशन नंबर डज नॉट मैच विथ डाटा गिवन बाय योर यूनिवर्सिटी, प्लीज कॉन्टेक्ट यूनिवर्सिटी। यानी कि जो भी स्टूडेंट अभी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्नातक के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो विद्यार्थी 18 से 21 सेशन के हैं और वो फर्स्ट किए हैं, फिर भी जब वो आवेदन करते हैं तो कुछ इस तरह का एरर उनको दिखाई देता है। तो इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिटेल्स में शेयर करूंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस स्कॉलरशिप के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। 2021 तक जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन में फर्स्ट किए हैं वही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, और वो बिहार के अस्थाई निवासी होना चाहिए, साथ ही अनमैरिड होना चाहिए, और ये स्कॉलरशिप सिर्फ लड़की को मिलता है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस वाले वेबसाइट पे आ जाना है, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस पर क्लिक करके आ जाना। एंड यहाँ पर आपको एक विकल्प मिलेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहां से आपको सारे गाइडलाइंस को पढ़ लेना है और जो भी टर्म कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, एंड उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। फिर यहां से आपको अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद इसमें आपको यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। तो आपके एडमिट कार्ड और मार्कशीट दोनों में रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसमें एंटर करना है। एडमिट कार्ड में कुछ इस तरह का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ वैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें एंटर करना है। फिर इसमें मार्कशीट नंबर आपको देना है। अगर आपने नेट के माध्यम से मार्कशीट डाउनलोड किया है तो उसमें भी आपको मार्कशीट का नंबर दिया होगा, तो यहाँ से आपको वो मार्कशीट नंबर देख लेना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 21/ और आगे का जो भी है वो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है उसी तरह से आपको इसमें भी एंटर करना है। उसके बाद स्टूडेंट का फादर का नाम आपको इसमें देना है कैपिटल लेटर में, जैसा मार्कशीट में और एडमिट कार्ड में है उसी तरह से। उसके बाद आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टूडेंट का नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसेस्ड पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको जो भी स्टूडेंट का डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है, जो आपका ब्लॉक होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ पे जैसा आधार में नाम दिया हुआ है वो नाम आपको इसमें टाइप करना है। उसके बाद यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर इसमें आधार नंबर देना है, और जैसा आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है वो आपको कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको वेरीफाई आधार करना है, आधार कार्ड का जो भी डिटेल्स होगा सब सही होगा, तो यहाँ पर ग्रीन कलर में आ जाएगा आधार वेरीफाइड। उसके बाद यहाँ से आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, इसमें मोबाइल नंबर देना है, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, तो आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंक का ओटीपी जाएगा, उसको डाल के मोबाइल वेरीफाई कर लेना है। फिर इसमें ईमेल आईडी आपको देना है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ईमेल आईडी पर भी 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, उसको एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी कर लेना है। फिर इसमें बैंक डिटेल्स में आपको बैंक का IFSC कोड देना है, ऑटोमेटिक इसमें बैंक का नाम आ जाएगा। फिर इसमें अकाउंट नंबर देना है और इसमें बैंक अकाउंट री एंटर करना है। ध्यान रहे, जो भी आप यहाँ पे बैंक अकाउंट दे रहे हो वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और सिंगल अकाउंट होना चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पर मत दीजिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा, तो निवास प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको इसमें मेंशन करना है। तो अभी जो भी सर्टिफिकेट बनता है BRCCO करके उसका सर्टिफिकेट नंबर रहता है, तो वो आपको इसमें मेंशन करना है। जिस डेट पे वो सर्टिफिकेट बना है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कैलेंडर के माध्यम से। फिर यहाँ पर आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो किन के माध्यम से इशू किया गया है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर ब्लॉक लेवल का आप
आपका निवास प्रमाण पत्र है तो आपको CO सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसा यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है वो आपको इसमें एंटर करना है। उसके बाद आपको फाइनलाइज पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे प्रीव्यू देगा तो वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको कन्फर्म करना है। तो जैसे ही आपका आवेदन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा तो इस तरह का रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको हाइड किया हुआ है क्योंकि YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है। एंड कुछ इस तरह का रिसीविंग जनरेट हो जाएगा जिसमें लिखेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहेगा आपका आवेदन सफलतापूर्वक पोर्टल पर पंजीकृत हो चुका है, कृपया विभागीय सत्यापन की प्रतीक्षा करें। विभागीय सत्यापन के बाद आपको आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपके पंजीकृत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर उपयोगकर्ता यूजर आईडी तथा पासवर्ड दिए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं। तो ये रिसीविंग पूरा रहेगा, जो भी डिटेल्स आपने फिलअप किया है वो सब यहाँ पे शो करेगा। और आईडी पासवर्ड से इसमें कोई मतलब ही नहीं है। आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप अब कोई दूसरा स्टेप कर नहीं सकते। यही आपका फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप है स्कॉलरशिप आवेदन करने के लिए, क्योंकि जो भी आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा उससे सिर्फ आप एप्लीकेशन का स्टेटस ही चेक कर सकते हो, बाकी आगे का कोई प्रोसेस इसके आगे नहीं है। इस रिसीविंग में भी साफ साफ दिया हुआ है विभागीय सत्यापन के बाद आपको जो आईडी और पासवर्ड मिलेगा उससे सिर्फ आप उसका आवेदन का स्थिति जांच कर सकते हो। तो आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, यही आपका हो गया आवेदन। तो एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड का जरूरत ही नहीं है, बट फिर भी मैसेज आ जाता है तो अच्छी बात। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो मैसेज में आया हुआ है यूजर आईडी और पासवर्ड। तो एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। आपको होम पेज पर आ जाना है इस वाले लिंक से। एंड उसके बाद यहां पे आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। अब यहां पे आपको स्टूडेंट वाले कॉर्नर में जाना है और यहां पे चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, आधार नंबर या बैंक अकाउंट का नंबर कोई भी एक इसमें मेंशन करके आप गेट स्टेटस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का स्टेटस बताएगा। तो मैं आपको एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक करके अभी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर के माध्यम से एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर रहा हूँ। इसमें मोबाइल नंबर दे करके गेट स्टेटस पे क्लिक करूंगा और आप देख लीजिए यहाँ पे डिटेल्स आ गया है। स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, FBMS स्टेटस वेरीफाइड, डोमिसाइल स्टेटस वेरीफाइड, बेनिफिशियरी नेम मैचिंग वेरीफाइड, आधार नाम मैचिंग वेरीफाइड, बैंक अकाउंट नेम मैचिंग वेरीफाइड, मिसाइल सर्टिफिकेट नेम मैचिंग वेरीफाई। अब सिर्फ पेमेंट ही आएगा। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में दिया हुआ है पेंडिंग फॉर अप्रूवल ऑफ फंड फ्रॉम डिपार्टमेंट, यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से अभी रुपया नहीं भेजा गया है तो इसलिए यहाँ पे पेंडिंग है। इस बार का प्रोसेस जो है आवेदन करने का बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया। बहुत ही सिंपल स्टेप में आप आवेदन कीजिएगा और ये रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहना है। कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आवेदन करने के लिए बस आपके पास पार्ट 3 का मार्कशीट और एडमिट कार्ड चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बैंक अकाउंट डिटेल्स, निवास प्रमाण पत्र, ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप इजीली मोबाइल से भी इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप इजीली घर बैठे मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। और यूजर आईडी पासवर्ड का कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि आईडी पासवर्ड से यहां पे आगे का कोई प्रोसेस होता नहीं है। बस आप उसका यूज करके सिर्फ एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका क्या सलूशन है। और अगर इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है स्कॉलरशिप को ऑनलाइन आवेदन करने में तो आप नीचे कॉमेंट करना या फिर मुझे मेल करना या इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प करूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो घर बैठे इस आवेदन को मेरे माध्यम से फिलअप करवाना तो नीचे ईमेल दिया हुआ है उस पे आप मुझे अपना डॉक्यूमेंट मेल कर देना या इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर देना, मैं आपका फॉर्म ऑनलाइन कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट को इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा उनको। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।